डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है ये, अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस ये चैप्टर 13 था। ठीक है, इसमें हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स फाइंड करने हैं। बेसिक में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है दो दो हमारे पास कंबाइंड शेप आएंगी, तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हमें सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। देखिए मेरे पास ये ओल्ड वाले मैथ्स है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है अब 12.1। ठीक है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। मतलब दो क्यूब है हमारे पास जिनकी वॉल्यूम हमें गिवन है, उनको एंड टू एंड जॉइन कर दिया गया। फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो पहले हम इसकी शेप बनाते हैं। शेप कैसे बनेगी, तो क्यूब क्यूब जो है वो इस तरह से है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये फर्स्ट वाला क्यूब है, ठीक है। अब इसके साथ हम सेकंड क्यूब को ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये क्यूब हमने एंड टू एंड इनको ज्वाइन कर दिया। अब आप देखें इसमें डिफरेंस क्या आएगा जब ये क्यूबॉइड बनेगा। तो देखो अगर इसकी जो साइड है वो ए हम लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये साइड भी ए हो जाएगी, ये हाइट भी ए हो जाएगी, है ना, और ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ पे ब्रेड्थ और हाइट में नो चेंज आएगा, ब्रेड्थ और हाइट वही रहेंगी, है ना, लेकिन चेंज आएगा हमारा लेंथ में। अब लेंथ यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हो तो ये तो डबल हो गई, दैट मीन्स लेंथ जो हो जाएगी वो 2a हो जाएगी, है ना। ब्रेड्थ जो है वो सेम रहेगी, ए ही रहेगी, और हाइट जो है वो भी सेम रहेगी, ए रहेगी। अब बात ये आती है हम पता पहले करें कि ए की वैल्यू क्या है, है ना। तो वो कैसे फाइंड होगी, वो वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि है 64। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 64। अगर क्यूब को आप इस साइड लेके आते हैं तो ये बन जाएगा क्यूब रूट 64 का, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट के लिए आप इसके फैक्टर बना देंगे, ठीक है। फैक्टर कैसे, 64 तो आप देखो 2 पे कर दो 32, फिर से 2 पे करोगे तो 16, 2 पे करोगे तो 8, 2 पे करोगे तो 4, 2 पे करोगे तो 2, और फिर से 2 पे करोगे तो 1। क्यूब रूट है तो आप 3 का ग्रुप कंसीडर करेंगे और हर एक ग्रुप में से एक मेंबर, तो दैट मीन्स 2 टू 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। अब फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अब रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बन रहा है हमारा, उसके लिए लेंथ जो हो जाएगी वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि डबल हो गई ना, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना, और ये सेंटीमीटर क्यूब में था इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर यूज कर देते हैं। ब्रेड्थ सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए हमें सरफेस एरिया निकालना है ना, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वॉल्यूम और सॉरी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इनकी वैल्यूज को हम प्लेस कर देंगे। लेंथ 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। अब इनको ऐड कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 32 32 और 16, ये हो जाएगा 2 6 8 2 10, ठीक है, 4 5 और 3 8, 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वे में आपने इसको सॉल्व करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है हमारे पास ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के ऊपर आपको हेमीस्फेयर माउंट करवाना है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द वेसल, अब टोटल लेंथ गिवन है हमें, फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सर्फेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हम शेप बनाएंगे, इसकी शेप ड्रॉ करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। अब आपको बोला गया था सिलेंडर के ऊपर, तो हम पहले सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। सिलेंड्रिकल शेप हमारी कुछ इस तरह से होगी। सिलेंडर के ऊपर हमें हेमीस्फीयर अटैच करना है, तो हम जस्ट इस तरह से बना देंगे, ठीक है, हेमीस्फीयर अटैच कर दिया हमने। अब इसमें जो है हमें हेमीस्फीयर का डायमीटर दे रखा है, तो हेमीस्फीयर का डायमीटर दैट मीन्स दोनों का डायमीटर है ना,
तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी हमारी, यहाँ बाहर मेंशन कर देते हैं इसको, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट हमें गिवन है यहां से यहां तक, ठीक है, ये टोटल हाइट है हमारे पास। तो टोटल हाइट हमारी है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। तो अब आप देखें, मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर हो या स्फीयर, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, हर तरफ रेडियस होती है क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। तो ये 7 है, दैट मीन्स यहाँ पे भी ये 7 है ना, ये 7 है, तो नीचे वाला पार्ट कितना रह जाएगा, हाइट रह जाएगी 6। ठीक है, टोटल जो थी वो 13 थी, 13 में से ऊपर रेडियस 7 बच गई, तो नीचे हाइट कितनी रह जाएगी, 6 रह जाएगी। ठीक है, अब हम इसका जो है टोटल सरफेस एरिया जो है निकालेंगे, टोटल दैट मीन्स टोटल, वो नहीं टोटल वाला फॉर्मूला, टोटल दैट मीन्स क्योंकि ये हॉलो है तो ये एम्प्टी है, शेप भी मैंने उल्टी जो है बना दी है, हेमिस्फीयर माउंटेड होना हो नहीं, ठीक है, हेमिस्फीयर जो है वो माउंट है इसके ऊपर। तो अब आप देखें दोनों का इनर सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे जो गिवन है वो आपने लिख लेना है, उसके बाद इनर सरफेस एरिया फॉर दिस शेप, फॉर दिस शेप इज इक्वल टू, अब आप देखिए कौन कौन से दो फॉर्मूले कौन से लगाएंगे, एक तो लगाएंगे 2πRh प्लस, दूसरा मैं यहाँ पे यूज करूंगा 2πR2। ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए मैंने दोनों की जगह सेम नोटेशन यूज किया है। अब इस तरह के केस में इसको और छोटा कैलकुलेशन को करने के लिए आपने क्या करना है, हर बार जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेना है, इससे समय आप देखना कितना छोटा हो जाएगा आपका। अब इसमें कॉमन क्या है, 2πR को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2πR, तो यहां से बचेगा हमारे पास H प्लस यहां से R। अब देखना इजिली हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, दैट मीन्स वी विल यूज 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू हाइट 6 प्लस रेडियस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 13, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13 52, वजह 52 और 5 57, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ये जो टॉय है वो दो शेप से बना हुआ है, कोन जो कि माउंटेड है हेमिस्फीयर के ऊपर और जो कि सेम रेडियस का है, तो डायग्राम प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, तो हेमिस्फीयर बनाते हैं, हेमिस्फीयर के ऊपर जो है वो कोन को माउंट किया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर और इसके ऊपर हमने कोन को माउंट किया है इस तरह से। अब ये जो शेप है हमारी, इसके अंदर जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और टॉय की जो टोटल हाइट है वो हमें गिवन है, टोटल हाइट है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है अगर ये हमारी रेडियस है तो इधर भी हमारी रेडियस ही होती है 3.5, तो दैट मीन्स इससे नीचे अगर 3.5 है तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12, तो ये जो हमारी कोन की हाइट हो जाएगी, कोन की हाइट वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस शेप का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो अब आप देखें सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप या दिस टॉय, अब नोट करना है अपने सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे सरफेस एरिया, तो उसके लिए आपको दोनों के फॉर्मूले को प्लस करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसका दिखाई देगा कोन का और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें हेमिस्फीयर का दिखाई देगा। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोन के CSA का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर के CSA का 2πR2, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास L प्लस 2R। अब ये फॉर्मूला हमने बना लिया,
अब बात ये आती है कि एल जो स्लैंट हाइट है वो अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट को अगर हमें निकालना है तो वी हैव अनदर फॉर्मूला विच इज एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। नाउ एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच इज 12, 12 स्क्वेयर 144, ठीक है, प्लस आर 3.5, और 3.5 का अगर आप स्क्वेयर करते हो 35 का, तो 12 25 होता है। अब यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। अब इसमें जो है हम अगर प्लस करें 144 को, 144 को, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 0 लगा के आपने प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 156.25 एल स्क्वेयर की वैल्यू, ठीक है। तो एल की वैल्यू के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है ना। तो स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करोगे इसका, तो ये इस तरह से फैक्टराइजेशन करके कर दें या डिवीजन मेथड से कर देते हैं, है ना। 156.25 ये हमारा पेयर बन जाएगा, तो 1 बन जा 1, यहाँ से आएगा 56 और 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 पे, 22 2 जा 44, है ना। तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 1 2 5, 2 और 2 हो जाएगा 4 24, यहाँ डैश आ जाएगा, अब ये जाएगा 5 पे, 1 2 2 5, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 125। दैट मीन्स जो हमारी एल की वैल्यू है वो है 125, बट डेसिमल 2 के बाद था तो अब हो जाएगा 1, तो 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे यूज कर देते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है, तो वी विल यूज 22/7। यहाँ पे हम रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस इज 3.5, दैट इज 35/10, इंटू एल इज 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस इज 3.5, तो 35/10 लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 पे 11, तो बाहर हमारे पास बचेगा 11 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस 7.0, तो इट विल बी 19.5, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है, कैसे, 5 लिखेंगे हम, 5 प्लस 9 14, 9 प्लस 1 10, और 1 11, 1 और 1 2। आप लोगों को अगर ये नहीं पता है तो आप सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, इसमें है हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, क्यूब है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर हम कितना ले सकते हैं, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, और इस सॉलिड का सर्फेस एरिया क्या होगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। अब डायग्राम कैसे होगा स्टूडेंट्स, क्यूबिकल ब्लॉक है, ध्यान देना, क्यूबिकल ब्लॉक, तो क्यूब हम बना देते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर माउंट करना है। हेमिस्फीयर जब हम बनाएंगे, क्योंकि क्यूब है तो सर्कल चारों तरफ टच करते हुए आएगा, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे जाएगा हेमिस्फीयर, है ना। इस तरह से ऊपर हेमिस्फीयर। अब हमें ये बताना है एक दो कि ये जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मैंने जो है इस कॉपी के पेज के ऊपर यहाँ पर अपना हाथ रख दिया, ठीक है, तो जो जहाँ पे हाथ है उसके नीचे वाला एरिया जो है, वैसे इस कॉपी का एरिया रेक्टेंगल आना था, लेकिन जहाँ पे मेरा हैंड है वहां के नीचे वाला एरिया जो है वो हाइड हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे है कि जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा इस क्यूब के वैसे तो 6 फेस आने थे, है ना, 6 फेस, लेकिन उसमें से एक फेस में से ये सर्कल कम हो जाएगा। तो उससे पहले हमसे ये क्वेश्चन किया गया था कि साइड्स इसकी अगर 7 हैं
तो इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या पॉसिबल है, तो आप देखिए मैक्सिमम डायमीटर क्या पॉसिबल है, जितनी इसकी साइड है, तो दैट मीन्स हम यहाँ आंसर देंगे मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है, रेडियस हम लेंगे इसकी 7/2 सेंटीमीटर। तो अब जब एरिया हम फाइंड करेंगे, तो एरिया जो होता है किसी डबल शेप का, तो वो होता है जितना जो सरफेस हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया फॉर दिस शेप इज इक्वल टू, पहले तो हमें अगर ये हेमिस्फीयर ना होता तो 6 सरफेस हमें दिखाई देने थे, तो 6a² तो हमें ये यूज करना था क्यूब के लिए। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, ये जो 6th सरफेस है ये ऊपर वाला, इसमें ये सर्कुलर पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर के नीचे हाइड हो जाएगा और सिर्फ ये किनारों वाला दिखेगा, है ना, कॉर्नर्स पे। तो हेमिस्फीयर का ये जो बेस होगा, सर्कुलर बेस, इतना एरिया एक फेस में से कम हो गया, दैट मीन्स -πr² करना है, और प्लस इस सर्कल के ऊपर हमें क्या दिखाई देगा, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हमने ऐड कर दिया। अब ध्यान देना ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, 6 फेस इसके दिखाई देने थे, बट 6 में से 6 जो फेस है उसमें से पाई आर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है अब, इसलिए हमने 6a² में से इसको माइनस कर लिया, और वहां पे एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है हमें, ऊपर हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का सर्फेस एरिया हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें थोड़ा सा, तो ये भी 2πr² है, ये -1πr² है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हो ले सकते हैं हम, तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा +πr². ठीक है, तो इसमें अब हम 6 फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं, 6 × 7 × 7 प्लस, अब आप देखें पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस जो है हमारी, रेडियस है 7/2, तो हम लिखेंगे 7/2 × 7/2। अब जो कैंसिल होते करते हैं, 7 से 7 2 पे 11, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 294 प्लस 11 7 जो 77/2। अब इसको डेसिमल में अगर हम चेंज करें तो आ जाएगा 294 प्लस 77 का करते हैं डेसिमल में चेंज, 2 3 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 17, 2 8 16 और पॉइंट, तो हमारे पास 294 आ गया, प्लस हम करेंगे 38.5, है ना, तो ये पॉइंट लगा के जीरो लगा लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा हमारा आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये 4th क्वेश्चन सॉल्व होएगा। नेक्स्ट करते हैं 5th। 5th में देखें, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये भी सेम वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो क्यूबिकल बॉक्स है, तो क्यूब हम प्रिपेयर कर लेते हैं, क्यूबिकल बॉक्स है इस तरह से। अब इसमें क्यूबिकल बॉक्स में हमारे पास बोला गया कि एक फेस में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल दिया गया, तो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर से कट करके इसमें से बाहर निकाल दिया, इस चीज को हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को, ठीक है, यहां से काट के निकाल दिया गया। अब क्या है इसमें कि इसका डायमीटर एल है, मतलब ये लेंथ एग्जैक्टली हमें गिवन नहीं है, एल फॉर्म में गिवन है, तो एल है तो इसकी रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर इज इक्वल टू L/2। ठीक है, क्योंकि रेडियस हाफ हो जाएगी ना। अब इसमें भी देखो फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो ध्यान देना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो 6 फेस हमें दिखाई देने थे क्यूब के, तो 6a² तो ये बनना चाहिए था, है ना। और अब मैंने जैसे आपको बताया, अब यहां से अगर हम इस फेस को सर्कुलर काट दें, क्योंकि हेमिस्फेरिकल काटा है तो बेस कैसा होगा, सर्कल, तो सिर्फ कॉर्नर्स हमें दिखाई देंगे ये वाले, यहां से सर्कुलर पार्ट कट गया फेस का, ठीक है, फेस का सर्कुलर पार्ट कट गया, तो -πr² तो ये हो गया इन 6 फेस में से -πr². लेकिन जब आप इस 6th फेस को देखोगे, अब ये कॉर्नर तो इसमें इंक्लूड हो गए, क्योंकि 6a² में पूरे फेस थे, उसमें से πr² हम माइनस कर चुके हैं, तो ये कॉर्नर हमें यहाँ पे विजिबल हो चुके हैं। अब जब हम 6th फेस को देखेंगे तो अंदर की तरफ हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिखाई देगा, हेमिस्फेरिकल,
जैसे बाउल होता है हेमिस्फेरिकल, उस तरह से, तो उसका एरिया हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो शेप अब हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। यहाँ पे फिर से सेम वैसा ही फॉर्मूला बनेगा, 6a² 2πr² प्लस और माइनस πr² प्लस πr² हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, 6 एक ही जगह पे हमें एल गिवन है, एल इंटू एल प्लस पाई जो है वैल्यू रखने का फायदा नहीं है, पाई को पाई ही रहने देते हैं हम। रेडियस जो है वो है L/2 इंटू L/2, ये हो गया 6L² प्लस पाई की वैल्यू जो है, अब आप देखें पाई की वैल्यू है हमारे पास सेम एस, और ये हो जाएगा L² पाई L²/4। ठीक है, आंसर तो यही ठीक है। वैसे अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहो, जैसे L² को कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये भी आप स्टेप कर सकते हो, तो 6 प्लस पाई/4 बच जाएगा हमारे पास। इसको आप सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हो, L² जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 6 24 प्लस पाई बाय फोर, बाय फोर को यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। दैट मीन्स ये जो कैप्सूल है, बीच वाला जो पार्ट है इसका, ये सिलेंड्रिकल है और साइडों में हेमिस्फेयर हमारे एंड्स पे स्टक हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, पूरी जो एंड टू एंड लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में, तो हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो सम तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव टू यूज ओनली फॉर्मूला। और यहाँ पे एंड्स पे इस तरह भी हेमिस्फीयर और इधर भी हेमिस्फेरिकल एंड है। ठीक है, टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक एंड टू एंड टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर है, और अगर हमारा डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारी, रेडियस आर इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो सेम इधर रेडियस हो जाएगी 5/2। अब बात ये आती है, ये सेंटर वाली लेंथ जो है ये लेंथ कितनी है, बिकॉज हमें जो है सिलेंडर में ये लेंथ जरूर पता होनी चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहां से यहां तक इधर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, हेमिस्फेयर में इधर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होती है। ठीक है, तो ये 5/2 दैट मीन्स 2.5 इधर है और 2.5 इस तरफ है, तो आप देखें इससे इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5। अब 2.5 2.5 टोटल हो गया 5, तो ये वाली जो सिलेंड्रिकल लेंथ है इसको हम h से डिनोट करते हैं, h इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो आप लोग ये सारी बातें जो है वो नोटिफाई कर लेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट। तो उसके बाद हमें निकालना है एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, अब फर्स्ट जो है हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2πrh प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड के लिए, देखो टू पार्ट्स हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाई, हेमिस्फेयर है तो 2πr². ठीक है, तो अब हम इसमें से अगर 2πr को कॉमन ले लें, क्योंकि कॉमन लेने से फॉर्मूला छोटा हो जाता है और सम सॉल्व करना इजी हो जाता है 2πr, तो यहां से बचेगा h प्लस यहां से 2πr चला जाएगा, तो 2r हमारे पास बच जाएगा। अब हम वैल्यू प्लेस करते हैं 2 मल्टीप्लाई, यहां पर हम रख देंगे 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस जो है वो है 5/2 इंटू एच जो है वो है हाइट 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई
सॉरी 5/2, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9+5 14, 7 2 14, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5 10 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट जो है वो कैसा है, सिलेंडर है जो कि जिसके ऊपर एक कॉनिकल एंड जो है वो लगाया गया है, दैट इज कुछ इस तरह से ये शेप हमारी बनेगी, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और इसके ऊपर हमारा जो है कोन लगा दिया गया है ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद है, इफ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो हमें गिवन है 2.1 और डायमीटर 4 है, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 2 मीटर, ठीक है। सेम यहाँ पे ये रेडियस भी हमारी हो जाएगी 2 मीटर। अब हमें बोला गया है एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, इसकी जो स्लेंट हाइट है वो है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। एक तो एरिया ऑफ कैनवास बताना, कितना कैनवास यूज होगा जितना इसका सरफेस एरिया। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। बेस जो है यहाँ पे कैनवास नहीं है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेगा देखो। सबसे पहले तो हमें डायमेंशन सभी गिवन है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैनवास रिक्वायर्ड टू यूज, या फिर कैनवास रिक्वायर्ड, कितना हमें कैनवास रिक्वायर होगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट या कोन, ठीक है। तो इसका सी एस ए होता है 2πRh प्लस यहां से कोन का सी एस ए होता है πRL। दोनों ही शेप्स की जो रेडियस है वो सेम है, तो पाई आर को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से आ जाएगा 2h प्लस यहां से आ जाएगा L, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू रेडियस जो है, रेडियस है हमारी 2, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई हाइट है 2.1 प्लस स्लेंट हाइट है 2.8, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 44/7 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4.2, ठीक है, और इसमें 2.8 हम ऐड करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 7.0, दैट मीन्स 7, तो इससे 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर, इतना कैनवास रिक्वायर होगा। अब हमें कॉस्ट भी बताना है। अब कॉस्ट जो है वो है 500 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 500, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 500, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 22,000 रुपीज, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमें बताया गया कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, उसमें से काट के बाहर निकाल दिया गया कॉनिकल कैविटी को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन नियर सेंटीमीटर। तो इसमें शेप देखना स्टूडेंट्स किस तरह से बनेगी। सबसे पहले तो आपके पास जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। अब इसमें से हमें इसका डायमीटर दैट इज रेडियस ये भी गिवन है, रेडियस है डायमीटर 1.4, तो रेडियस हो जाएगी 0.7 दैट इज 7/10, ठीक है, और इसकी जो हाइट है
हाइट जो है वो हमें गिवन है हाइट 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें से इसी हाइट का और इसी रेडियस का एक कोन जो है वो कट करके निकाल दिया गया इसमें से, तो मतलब ये वाला हिस्सा कोन जो है वो इसमें से निकाल दिया गया है। अब हमें बताना है कि इसका जो सरफेस एरिया टोटल बनेगा वो क्या बनेगा। अब क्योंकि ये सॉलिड था तो सिलेंडर ऊपर से भी क्लोज था नीचे से भी क्लोज था, है ना, तो वैसे तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगना चाहिए था। अब लेकिन अब जब यहाँ से कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकाल देंगे इसको यहाँ से, तो हमें कौन कौन से सरफेस दिखाई देंगे वो हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो सरफेस एरिया फॉर दिस सॉलिड इज इक्वल टू कौन कौन से एरिया लगेंगे, एक तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा, ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो होगा 2πRh, ठीक है, ये वाले गोलाई सरफेस एरिया दिखेगा हमें। फिर नीचे से देखेंगे तो ये क्लोज दिखेगा क्योंकि सॉलिड सिलेंडर था, यहाँ से बंद दिखेगा, तो एक सर्कल का एरिया हमें ये लेना पड़ेगा। प्लस ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये कॉनिकल पार्ट हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला कॉनिकल पार्ट जो है वो दिखाई देगा हमें जब हम इसको ऊपर से इस तरह से उठा के देखेंगे, और नीचे से देखेंगे तो सॉलिड सर्कल दिखाई देगा, बंद है ना, नीचे से सॉलिड था तो ऊपर से कॉनिकल पार्ट आएगा तो पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बना हमारा। अब इसमें से रेडियस से सेम है तो पाई आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से आ जाएगा 2h प्लस आर प्लस यहां से आ जाएगा एल। अब बात ये आती है कि एल तो हमारे पास अभी नहीं है, तो हम पहले एल को फाइंड कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, हाइट हमारी है 2.4, ठीक है, तो 2.4 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस रेडियस है 0.7 और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसका देखो 24 का 576 होता है, तो पॉइंट भी दो वर्ड्स आगे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है, ये हो जाएगा 0.49। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 6.25, तो स्क्वायर रूट 6.25 ये हो जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। तो स्लेंट हाइट हमने पता कर ली, एल इज इक्वल टू 2.5। अब हम इसका यूज कर लेते हैं हमारे सामने, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस है 7/10 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो डायरेक्ट लिख दें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे इसको तो ये बन जाएगा 4.8 प्लस रेडियस जो है वो है 0.7 प्लस स्लेंट हाइट है 2.5। अब इन सबको 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 22/10, इनको करते हैं प्लस 8+7=15 प्लस 5=20, तो ये आ जाएगी 0.2, 2 × 4 और 4 = 8, तो ये आ गया, ठीक है। पॉइंट जीरो को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो 22 × 8=17.6 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 10 है ना, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। तो लेकिन इसमें बोला गया है नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट करके बताना है आपको, तो हम लिख देंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस वे में आपका ये समझो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर था तो दैट मीन्स इसमें भी ऊपर से भी क्लोज था, ये नीचे से भी क्लोज था, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होना था ये सिलेंड्रिकल पार्ट ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, बट इसमें से हेमिस्फीयर जो है वो काट के बीच में से निकाल दिए गए नीचे की तरफ या और ये ऊपर की तरफ निकाल दिया, तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से हेमिस्फेरिकल पार्ट, और नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी हेमिस्फेरिकल पार्ट दिखाई देगा। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, फाइंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हम इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास इस पूरे सिलेंडर की हाइट दे रखी है, देखो ये वाली जो हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, और जो बेस रेडियस है ये वाली जो रेडियस है, अब देखो हेमिस्फीयर की रेडियस भी यही रहेगी और सिलेंडर की भी यही रहेगी जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इस पूरी शेप का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया फॉर द या ऑफ द आर्टिकल, ऑफ द सही रहेगा है ना, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू एरिया ऑफ
सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, अब आप देखो वैसे तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर स्फीयर हो जाएगा, बट हमें शेप में हेमिस्फेयर दे रखा है इसलिए हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। अब एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वो होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, दोनों में से 2 पाई आर को हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से बच जाएगा हमारे पास एच प्लस 2 आर। ठीक है, एच प्लस 2 आर, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 3.5 दैट इज 35/10 लिख सकते हैं हम इसको, और एच हाइट है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस है 3.5, 3.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये बन जाएगा 7.0 जिसको हम 7 लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है कर देते हैं एक बार, 7 5 35 5 2 10 और 2 से 2, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 17 2 34 3 कैरी 17 2 34 प्लस 3 37 तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 12.1 जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैथ अगर किसी के पास है तो वो 13.1 थी ये एक्सरसाइज, अब जो कि चेंज होकर क्या बन चुकी है 12.1, तो ये कंप्लीट होती है। और भी नए नए वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।